Cause I just wanna go, go, go to the deep end. Techno News में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज टेक न्यूज इसलिए आपको मैंने जल्दी दिया क्योंकि हमने कुछ नहीं किया। हाँ, हमने नथिंग किया। मैं इसका इंतजार कर रहा था कि एम्बार्गो खत्म हो और आपको उसका वीडियो मिले। 6:30 बजे जो है वो एम्बार्गो उसका ब्रेक हुआ और तुरंत आपको हमने वीडियो दिया। वैसे दोस्तों, ये इंडिया में 2 दिन पहले लॉन्च हुआ था और प्राइस उससे भी पहले आ गई थी, 6,000 रुपये की प्राइस है। और मैं इसका 1 हफ्ते से इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये उस प्राइस पर क्या वर्थ है नहीं है, जो भी चीज़ें जो हाइप मची हुई है वो सब हम ब्रेक करेंगे और आपको पूरे टेक्नोरू स्टाइल में इस वीडियो में इसके बारे में बताने वाले। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्या पता दोस्तों आपको आज वो सारी चीजें पता चले जो और कहीं नहीं पता चले। बॉक्स इस तरीके का दोस्तों। बाय द वे, ये एक लंदन बेस्ड कंपनी है तो इंपोर्ट वाला सीन है। फिलहाल के लिए उन्होंने इंडिया की कुछ बात नहीं करी कि मेड इन इंडिया वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें वक्त लग सकता है, डिपेंड करते हैं कि भाई कितना लोग इसको परचेज करते हैं और कितना उनको रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैंने थोड़ा जज्बात में खोल दिया था, थोड़ा सा फट गया। एनीवेज, तो उसको हम बॉक्स से बाहर निकालते हैं और देखते हैं बॉक्स में आपको क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पर पहले तो यही था, हमने इसको ऑलरेडी बाहर निकाल दिया था और उसके बाद दो आपको छोटे छोटे बॉक्स मिलते हैं। तो एक में दोस्तों आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स होंगे जो इस तरीके से यहाँ पर लगे हुए, सेट बाय सेट, स्मॉल से लेके लार्ज। और उसके अलावा दोस्तों आपको एक चार्जिंग केबल मिलेगा टाइप सी वाला, जो आप अपने अडैप्टर में लगा के चार्जिंग केस में डालकर उसको चार्ज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक छोटी सी किताब मिलती है, किताब नहीं है, हाँ किताब ही जैसी है, इस तरीके से काली कलर की एकदम, जिसमें आपको सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई है। तो इन सबको रखते हैं दोस्तों साइड में, आते हैं असली खेल पर। अब ये है दोस्तों नथिंग ईयर वन, नथिंग ब्रांड का नाम है, इसका नाम है ईयर वन। और डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो ये दोस्तों आपको पूरा एक्चुअली में पॉलीकार्बोनेट मटेरियल है और ट्रांसपेरेंट डिजाइन है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। यानी कि ये पहला ऐसा ट्रू वायरलेस ईयरफोन है बेसिकली जो आपको इस तरीके की डिजाइन में मिलता है और यही इसको दूसरे ईयरफोन से अलग रखता है। साथ ही साथ जब ये मैंने देखा ट्रांसपेरेंट था तो मैंने उनसे पूछा कि भाई फ्यूचर में इसका क्या, पीला विला तो नहीं पड़ जाएगा ना, आजकल ऐसे सीन होते। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है तो समय समय तक यूज़ करने पर ये पीला नहीं होगा, ये उन्होंने बोला है। अभी हम जब यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ करने वाला उसको, अभी मुझे पसंद आया इसलिए, तो हाँ तो मैं अभी जब यूज़ करूँगा तो आपको बताऊँगा। वैसे दोस्तों साइड में आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, आपको एक बटन मिलता है जिससे आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेसली। और अंदर की तरफ दोस्तों आपको एक इंडिकेटर मिलता है, ये रेड और ग्रीन और साथ में वाइट, तीन आपको अलग अलग तरीके की लाइट्स मिलती है। और ये जो मैग्नेट है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया, मतलब स्टर्डी है, अच्छा लगता है, चीप फील नहीं होता है। उसी के अलावा इसकी एक और खासियत ये है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है कि हम चार्जिंग केस में ईयरबड्स रखना भूल जाते हैं, यहाँ वहाँ रहता है, हम डरते हैं तो हम चार्जिंग केस को ओपन करके देखते हैं। इसमें वैसा नहीं, ओपन करने की जरूरत ही नहीं, बाहर से ही पता चल जाएगा कि अंदर है कि नहीं है। ये भी इसकी एक खासियत है, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन अच्छी चीज़ें जो आपको बहुत हेल्प करेगी। आते दोस्तों भी ईयरबड्स की तरफ, इनका भी जो मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंट है और आपको लिटरली बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है अंदर की, क्या क्या चीज़ें लगाई गई है और यही इसकी खासियत है। वैसे दोस्तों ये भी पॉलीकार्बोनेट मटेरियल है और इनका जो वेट है वो 4.7 ग्राम्स ईच, तो काफ़ी लाइट वेट है। और साथ ही साथ ये देखिएगा तो बहुत ही बढ़िया तरीके से कर्व्ड है, तो कानों में जो फिट है अगर आप देखोगे इस तरीके से, मेरे को चक्कर आ गया, हाँ, लेकिन कानों से गिरता नहीं है। और साथ ही साथ जो सिलिकन टिप है ये बहुत ही कंफर्टेबल है, तो लॉन्ग टर्म तक भी मैंने इसमें गाने सुना, मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील यहाँ पर नहीं हुआ था। वैसे IPX4 रेटिंग से अगर कानों में पसीना वगैरह आ जाता है तो उससे भी इसको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगा। उसी के साथ साथ अगर आप गौर से देखोगे तो इन पर आपको एक वाइट और एक रेड डॉट भी यहाँ पर मिलता है। अब ये है बहुत ही छोटी चीज़ लेकिन बहुत ही बड़ा काम करती है, कुछ सेकंड्स की बात है, ये आपका कुछ समय बचा सकती है। जैसे कि अगर आप चार्जिंग केस में देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक रेड डॉट यहाँ पर दिया गया है, तो इससे ये पता चलता है कि ये वाला जो रेड वाला है वो इस तरीके से यहाँ पर राइट में जाएगा और ये वाला इस तरीके से लेफ्ट में जाएगा, हाँ ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और साथ में ये पता चलता है कि वाइट वाला लेफ्ट वाला है, रेड वाला राइट वाला है, छोटी चीज है लेकिन काम की चीज है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो है आपको टच एरिया मिलता है, ये पूरा के पूरा टच एरिया, सिर्फ एक जगह नहीं, ये पूरा के पूरा, यानी कि आप यहाँ पर ऊपर टैप करोगे तो आपको मल्टी फंक्शन चीज़ें मिलती है, डबल टैप, ट्रिपल टैप, प्रेस एंड होल्ड वगैरह, लेकिन ये पूरा जब आप ऐसे ऐसे स्लाइड करते हो तो नीचे करोगे तो वॉल्यूम डाउन होगी, ऊपर करोगे तो वॉल्यूम अप होगा, तो ये दोनों में इस तरीके से काम करता है। और इनमें दोस्तों
आपको 11.6 mm के डायनामिक ड्राइवर्स मिलते हैं ऑडियो के लिए, जो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। उसी के अलावा ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है, लेटेस्ट उन्होंने यहाँ पर ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया है और ये बेसिकली रेंज और कनेक्टिविटी में आपको दोनों में हेल्प करेगा। और ब्लूटूथ का मतलब ये है कि आपको आपके फ़ोन में ईयर वन का ऐप मिलता है प्ले स्टोर से, आप उनको उसमें कनेक्ट करिए। और ऐप दोस्तों कनेक्ट करने के बाद मुझे एक अपडेट आया, मैंने उसको अपडेट किया और उसके बाद आप देखोगे तो इंटरफेस बड़ा सिंपल और बड़ा क्लीन है, एकदम स्टॉक एंड्रॉइड जैसा मुझे ऐप के अंदर फील हुआ था। लेफ्ट है बीच में आपको सी यानी कि आपका चार्जिंग केस की बैटरी दिखाता है और राइट आपको ऑब्वियसली आपके राइट वाले ईयरफोन की बैटरी दिखाता है। और उसके नीचे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक है ईयर और दूसरा है दोस्तों टच। टच से आप दोस्तों यहां पर आपको जैसे कस्टमाइज करना है ट्रिपल टैप, टैप होल्ड वगैरह लेफ्ट और राइट ईयरफोन्स के, वो आप यहां पर आके कर सकते हैं। और ईयर में दोस्तों आपको उसमें तीन कमाल की चीजें मिलती है। बेसिकली पहले तो उसमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलता है, एक बहुत ही कमाल का फीचर इसके अंदर। और उसमें भी दोस्तों आपको मॉडरेट और मैक्सिमम दो फीचर मिलता है। अगर आप इंडोर हैं तो आप मॉडरेट नॉइस कैंसिलेशन का इस्तेमाल करिए, वो ज्यादा बाहर की आवाजों को बंद नहीं करता है, नॉर्मल रखता है। लेकिन अगर आप बाहर ऐसे नॉइजी एनवायरमेंट में चले जाते हैं तो आप मैक्सिमम वाले का इस्तेमाल करिए, इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा जो नॉइज होती है वो उनको खत्म करता है। तो उसमें भी आप जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। बाद में आपको ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिलता है, तो बाहर की जो आवाज है अगर आपको सुनना है जब कोई बात कर रहा है वो भी आप टॉगल कर सकते हैं। वैसे ये आपको प्रेस एंड होल्ड करने पर भी ये सारा काम कर लेता है, तो आपको शॉर्टकट्स यहां पर मिल जाते हैं। और उसके अलावा दोस्तों नीचे आपको इक्विलाइजर मिलता है, इसमें आपको काफी सारे मोड्स मिलते हैं, बैलेंस्ड है, ज्यादा आपको ट्रेबल चाहिए, बेस चाहिए, वॉइस चाहिए, जैसा आपको कस्टमाइज करना है ऑडियो वो आप यहां पर आके कर सकेंगे। साथ ही साथ अगर ऊपर की तरफ तीन डॉट पर आप क्लिक करते हो तो इनमें आपको इन ईयर डिटेक्शन है, कानों में लगा दिया तो गाना प्ले हो गया, कानों से निकाल दिया तो गाना पॉज हो गया, तो ये चीज आपको यहां पर अच्छी मिलती है। और उसके अलावा फाइंड माई ईयरबड है, बेसिकली अगर ये कहीं घूम जाते तो हाँ, तो काफी लाउड है, इस तरीके से आप इनको ढूंढ सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों इंस्टेंट पेयरिंग वाला भी फीचर है, बेसिकली आप अपने ईयरफोन में मतलब चार्जिंग केस में इस तरीके से लगा के रखे हो, ये बंद है और जैसे कि मैं इनको ओपन करता हूँ तो इंस्टेंटली दोस्तों आपके ये फोन में कनेक्ट हो जाता है, तो ये भी चीज आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। बैटरी की बात करेंगे दोस्तों, बैटरी कमाल की है, आपको 31 mAh की बैटरी दोनों में मिलती है ईच और 570 mAh की बैटरी आपको चार्जिंग केस में मिलती है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो चार्जिंग केस है आपको इसमें QI सपोर्ट मिलता है, सर्टिफाइड है, यानी कि वायरलेस चार्जिंग का आपको सपोर्ट मिलता है, जो अच्छी बात है। अगर आपको वायरलेसली चार्ज करना है वो भी आप यहाँ पर इनको कर सकते हैं। वैसे दोस्तों ये आपको विदाउट एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की बात करूं तो विद चार्जिंग केस 34 आवर्स आपको बैटरी मिलती है। और जो ईयरबड्स से अगर इनकी सेपरेट बात करें तो वो 5.7 आवर्स का आपको बैकअप देता है, कंप्लीटली अमेजिंग। लेकिन अगर विद एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की बात करें फिर भी आपको विद चार्जिंग केस 24 आवर्स और ये जो ईयरबड्स है ये 4 आवर्स ईच। साथ ही साथ इनमें आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, ये भी है इसमें, यानी कि 10 मिनट अगर आपने इनको चार्ज किया तो अगर मैं ईयरबड्स की बात करूं तो विद ANC 50 मिनट, विदाउट ANC 1.5 घंटा, और चार्जिंग केस की बात करें तो विद ANC 6 आवर्स और विदाउट ANC 8 आवर्स। बाय द वे अगर कॉलिंग एक्सपीरियंस की बात करूं, जैसे कि मैंने आपसे बताया ट्रिपल माइक है इनमें, तो देखिए दोस्तों एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन यानी कि इसका मतलब ये होता है कि सामने वाले को आपकी आवाज बढ़िया सुनाई देगी, तो आपके जब आप जिस इलाके में हैं वहां पर अगर बहुत शोर हो रहा है वो कैंसिल हो जाती है और सामने वाले को बढ़िया आवाज आती है। अच्छा, मैंने इसकी जब टेस्टिंग किया था मैंने अपने दोस्तों को फोन किया वगैरह को और मैंने पूछा कि भाई तेरे को कैसा आवाज लग रहा है, तो एकदम क्लियर साउंड था, उन्होंने ऐसा यहां पर बताया। तो हाँ, जो कॉलिंग एक्सपीरियंस इनमें था वो मेरा बहुत कमाल का था, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन वगैरह है, ट्रिपल माइक है, तो वो आपका काम बहुत ही अच्छा करेगा। और फाइनली अगर ऑडियो एक्सपीरियंस की बात करो, कमाल का बेस है, कमाल का वोकल से मतलब एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था, मैं इसीलिए इसको अब पर्सनली यूज कर रहा हूँ। हाँ, एक हफ्ते से जब यूज किया था मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब मैं इस पे गाने सुन रहा था तो जो ऑडियो थी वो बहुत ही कमाल की थी, मतलब प्रीमियम ऑडियो जैसा यहाँ पर मुझे फील हो रहा था, और एग्जैक्टली जो मुझे फील हो रहा है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों जो टच रिस्पॉन्स है, ये जो टच सेंसिटिव एरिया जो है बिल्कुल भी चीप फील नहीं होता, मैंने कानों में लगाने के बाद जब मैं नीचे स्लाइड किया ऊपर किया पूरे एरिया में तो बराबर से वो काम करता है, वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप होता है, और डबल टैप ट्रिपल टैप प्रेस एंड होल्ड ये सब कुछ जो इसकी एक्यूरेसी है वो बहुत ही कमाल की है। तो एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पर ऑडियो के मामले में बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पर जाते जाते दोस्तों 100 बात की एक बात सुन लीजिए गौर से, अगर ये कोई दूसरी प्रीमियम ब्रांड्स लॉन्च करती तो इसको 15 से 20 हज़ार के नीचे कभी लॉन्च ही नहीं करती, इन्होंने यहाँ पर 6,000 रुपये में इंडिया में लॉन्च कराया है।
वैसे दोस्तों ग्लोबली अगर देखा जाए तो उनकी प्राइस ज्यादा है, अलग अलग यूरोप में, यूएस में लॉन्च हुआ, इंडिया में 6,000, तो सबसे चीप उन्होंने इंडिया में ही लॉन्च किया। ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, आपको डिजाइन से लेके ऑडियो क्वालिटी से लेके ऐप का जो आपको सपोर्ट मिलता है, बैटरी बैकअप वगैरह के जो फीचर्स है, वो सब कुछ जोड़कर मुझे लगता है कि 6,000 रुपए में कमाल की चीज है। मैं पर्सनली एक हफ्ते से यूज कर रहा हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं जोड़कर बोल रहा हूँ। और जब वो कालपी नथिंग में गए तो मुझे लगा ही था कि भाई वो कुछ कमाल करेंगे, और उनका ये पहला प्रोडक्ट है जो वाकई में कमाल का है। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपकी बजट 6,000 रुपए की है तो ऑनेस्टली आग बनकर आप इसको ले लीजिए, फिर आप मुझे कमेंट करके बाद में बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। हम ऐसे ही कोई प्रोडक्ट को खुलेआम रेकमेंड नहीं करते, जब हमें लगता है कि भाई ये रेकमेंड करने लायक है एकदम खोल के, तो हम आपको रेकमेंड करते हैं। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। वैसे दोस्तों अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग चाहिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बने रहना, और आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए, वीडियो पसंद आएगी लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।